इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। सुंदर पर्वत पर उतारा हुआ है सेना का विभीषण जी की शरणागति, सुख सारण की कथा। समुद्र से भगवान मार्ग मांगते हैं, समुद्र स्वाभाविक जड़ है। समुद्र जी कहते हैं, प्रभु आपकी सेना में नल नील नामक दो कपि हैं, जिनके स्पर्श मात्र से पत्थर हमारे ऊपर तैरेंगे, हम शांत हो जाएंगे। आप में से जो लोग रामेश्वरम गए होंगे, स्मरण आ गया, जय जयकार करिए, बोलिए रामेश्वर भगवान की जय। रामेश्वरम धाम में भगवान एकदम शांत हैं, समुद्र देव कोई हलचल नहीं। इस प्रकार सेत बंद हुआ, भगवान ने अपने इष्ट देव रामेश्वर महाराज की भगवान की स्थापना की। सेतु से पार करके सुवेल पर्वत पर सब लोग उतरे। अंगद जी शांति दूत बन करके गए, रावण मानने वाला नहीं, तय कर लिया है, करना क्या है। कई लोग जब तय कर लेते हैं, जब तक उनका अंत न हो जाए छुपे नहीं होते, समाप्त तो हो जाए तभी मानत है। देखिए तीन तरह के लोग हैं, उत्तम मध्यम निम्न। उत्तम पुरुष समझ के जन्म लेता है, एक। मध्यम पुरुष दूसरे की स्थिति परिस्थिति देखकर मनस्थिति को ठीक कर लेता है। निम्न पुरुष भुगतत 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 जब तक समाप्त न हो जाए तब तक सीखता नहीं है। उदाहरण बहुत लोग हैं, अब क्या करके कर हम नाम ले में। सीखना चाहिए, समझ बनानी चाहिए, यही विवेक है। विवेक के लिए ही सत्संग होता है। यदि विवेक जग गया, इस आश्रय में हमको रहना चाहिए। अंगद जी गए, रावण माना नहीं, रामदल के चार टुकड़ी बनाई गई और लंका के चारों द्वारों पर धावा बोल दिया गया। युद्ध 7 दिन चला। बाबा कहते हैं, से तो बांध कपि से न जिम उतरी सागर पार, गय हो बसी थी वीरवर जे ही विधि पार, निश्चर के सलराई वरन से विविध प्रकार, कुंभ करण घननाद कर बल पाव निश्चरण कर हुआ। शक्ति के पश्चात फिर मेघनाथ को हनुमान जी ने, हनुमान जी सुग्रीव अंगद जी गवगवाक्ष दुबिध मयंद सब सभी से युद्ध, कुंभकर्ण का किसी से नहीं, मेघनाथ का सबसे युद्ध हुआ। अंत में भगवान ने जब आज्ञा दी है तो मेघनाथ का श्री लक्ष्मण जी महाराज ने अंत किया। बोलिए लखनलाल महाराज की। छठवें दिन रावण से पूरी सेना लड़ी। और छठवें दिन ही भगवान ने इसको मूर्छित किया।
देवराज इंद्र के सारथी मातली के द्वारा लाए गए रथ पर आरूढ़ होकर परमात्मा ने रावण को मूर्छित किया है। सारथी ले गया राज सदन की ओर, भोर में रावण जगाज सारथी को बहुत डांट लगाई है और कहा, रणांगण से हमको बचा के क्यों लाए, वीर गति को प्राप्त हो जाते, ज्यादे उत्तम था। वीर पुरुष रणांगण से वापस नहीं आते, उनका शरीर आता है, जीवन का लोभ त्याग करके ब्रह्म वेला में जब भजन का समय है, रावण सातवें दिन युद्ध करने भगवान से चला है। परमात्मा ने बहुत खेल खिलाया, जब देवताओं ने आकर स्तुति की है तब भगवान ने रावण को एक साथ 31 बाण मारे, 10 उसके सिर में लगे, 20 भुजाओं में, एक नाभि में। रावण का धरा पर दौड़ने लगा, ऐसा लगे कि रावण पाताल चला जाएगा। भगवान ने एक बाण निकाल करके उसके हृदय में जैसे ही मारा, रावण एक साथ बोल पड़ा, हृदय से बोला, मुख तो थे ही नहीं, कर देव करके मंदोदरी जी के पास पहुंचे और मंदोदरी मैया ने जब देखा है रावण के सिर को तो विलाप करते हुए कहती है, हे नाथ, आपसे पूरी धरा थर थराती थी, दिग्पाल लोकपाल देवजन सब घबराते थे, चलते थे आप तो धरा डोलती थी, थर्रा जाती थी, समझाने के बाद भी आप समझ नहीं सके, इसीलिए राम विमुख यस हाल तुम्हारा रहन को अब तब सिर भुज अर्धांगनी भी अपने ऊपर रो न सके, अपने स्वजन भी हमारा सम्मान न कर सके। जीवन ऐसा होना चाहिए कि हमारे अपने कम से कम हमारे लिए स्मरण बना के रखें। कोई लाभ नहीं है उत्पात के साथ जीने का, कोई लाभ नहीं है, और उत्पात भी हम कब तक करेंगे, जब तक हैं तब तक करेंगे, लेकिन कब तक हैं इसका भी तो पता नहीं है। कई लोग जीवन में उत्पात में ही जीवन को बिता देते हैं, उत्पात से मुक्त होकर सहजता पूर्वक जीवन यापन करना चाहिए और बहुत परेशान नहीं रहना चाहिए, बहुत किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। सहज रहिए, वायुवत बहिए, जलवत बहिए। भगवान ने आज्ञा दी है, विभीषण जी ने रावण का संस्कार संपन्न किया, जामंत बाबा से निवेदन किए, विभीषण जी को रात तिलक किया जाए, रात तिलक हुआ, देवराज इंद्र आए हैं, अमृत वृष्टि भगवान ने करने की आज्ञा दी है, वानर लोग सब
वापस हुए। भगवान सबको विदा करते हैं। श्री हनुमान जी को आज्ञा दी प्रभु ने, स्याजू को संदेश करिए। हनुमान जी गए हैं, माँ को संदेश दिए हैं। अग्नि साक्षी करके भगवान ने माँ का सत्य स्वरूप प्राप्त किया है। विभीषण जी विश्राम करने की प्रार्थना करते हैं। परमात्मा बोले, भैया हमको भैया का स्मरण आ रहा है, अस्तु हम अयोध्या विदा लेंगे आपसे। वस्त्र आभूषण लेकर विभीषण जी आए, प्रभु ये सबको बांट दें। भगवान ने कहा, मैं स्पर्श नहीं कर सकता, आकाश में जाकर आप सबके लिए वितरण कर दीजिए। ये मेरे सखा लोग धारण कर करके आवे, कर के आवे, इनको देख कर हम आनंदित होंगे। अरे भगवान ने कितना सुंदर सुयोग बना दिया। जैसे ही वस्त्र आभूषण विभीषण जी ने वृष्टि की है, सारे वानर लोग धारण कर करके भगवान के पास आते हैं। भगवान से पूछते हैं, प्रभु हम कैसे लग रहे हैं? परमात्मा बोले, अभी अभी आकर के देवताओं के राजा इंद्र गए हैं यहाँ से, जितने सुंदर वो नहीं, आप उनसे भी अधिक सुंदर हमको भा रहे हैं। भगवान का यही वैशिष्ट्य है, भगवान की सेवा में आप कैसे भी लग जाओ, भगवान अति प्रियता आप में रखेंगे। भगवान ने सबकी प्रशंसा करी, मित्रों को विदा किया। स्मरण बना के रखना, डरना किसी से नहीं, स्मरण बना के रखना, डरना नहीं। और कोई कष्ट हो, क्लेश हो, दुख हो, अयोध्या आना, हम आपको स्नेह करेंगे, आपका समाधान होगा। भगवान ने विदा किया। अब पुष्पक्यान विभीषण जी लाके रखे, प्रभु माँ के संग में लक्ष्मण जी, हनुमान जी, गवगवाक्ष, दुविध, महिंद, नल, नील, जामवंत, अंगद जी, सुग्रीव और विभीषण के संग में मेरे सरकार अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। आइए प्रणाम करते हैं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।